2022 का चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा जहां अपनी गतिविधियों को तेज किया जा रहा है, तो वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों ने भी अपनी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। काट विधानसभा से अपनी दावेदारी को मजबूती के साथ पेश कर रहे पूर्व विधायक हाजी जाहिद हुसैन अंसारी भी इस ओर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। आपको बताते चलें कि हाजी जाहिद हुसैन अंसारी मुरादाबाद से पूर्व विधायक रहे हैं और पूरे क्षेत्र में समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। हाजी जाहिद हुसैन अंसारी का कहना है कि वे समाज की सेवा कर रहे हैं और जनता भी उन्हें दिल खोल कर प्यार करती है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी के आगमन की सूचना पर हाजी जाहिद हुसैन भी अपने काफिले के साथ उनके कार्यक्रम की ओर निकल पड़े। उनके काफिले में पागबड़ा के साथ साथ पागबड़ा के आसपास व कांट विधानसभा की दर्जनों ग्राम पंचायतों से उनके समर्थकों का हुजूम दिखाई दिया। उनके समर्थक उनको घेरे हुए थे। हर कोई जाहिद हुसैन अंसारी को विधायक बनते देखना चाह रहा था, तो वहीं हाजी जाहिद हुसैन अंसारी भी अपने समर्थकों के बीच खुद को खुश महसूस कर रहे थे। पागबड़ा से कार्यक्रम स्थल की ओर कूच कर रहे पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता हाजी जाहिद हुसैन अंसारी से जब बात की गई, तब उन्होंने बताया कि वे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के कार्यक्रम में जा रहे हैं। किसानों की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे युवा नेता को मैं दिल से सलाम करता हूं और उनके हाथों को मजबूत करने के लिए मैं भी मैदान में खड़ा हूं। ये आज हमारे नेता जी जयंत चौधरी सिंह जिसके पुलिया पर आ रहे हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग है जिसमें हजारों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं अपने अपने गाड़ियाँ ले लेके। और मेरी जो अपील है, जो लोग जिन्हें खबर नहीं पर मिल पाई है, वो लोग भी इससे पता करके और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें। संदेश ये है कि जो ये बेईमान सरकार है, झूठी सरकार है, तमाम इसने लूट दिया, पूरा देश बेच दिया, इसको की जड़ से उखेड़ने के लिए 22 में हम मतलब ये इसका प्रयास कर रहे हैं और जनता का सहयोग चाह रहे हैं।